हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे ग्रैंडफादर के बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे उनके टाइम के, तो वो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, तो मैं वो आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट विद दिस थिंग। क्या है ये इन्वर्टर है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। ये आई थिंक ये भी 20-25 साल पुराना तो है वैसे, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो, ये इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो एक ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये फ़ोन है, ये सिटी करके लिखा है इस पर, टी सिटी, हाँ सिटी करके, और इस पर लिखा है, क्या लिखा है, अब सेवा में आशीष, पता नहीं क्या लिखा है इस पर। तो ये क्लोजअप आप देख सकते हैं इसका, एंड ये May 96 इस पर डेट लिखी है क्वालिटी की, शोरूम्स की। एंड ये अलाहाबाद का है, IITI लिमिटेड अलाहाबाद। तो एक ये है, ये कुछ 24 साल पुराना हो गया है। फिर ये एक रेडियो है, इस पर क्या लिखा है देखते हैं, फिलिप्स का है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये फिर भी नया है, बट ये मेड इन जापान है शायद, पैनासोनिक का ये रेडियो। और चलता है कि नहीं पता नहीं, इसको ट्राई नहीं किया। तो एक ये रेडियो हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो रेडियो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये ज़्यादा पुराना है, ये कुछ आई थिंक 40-50 ईयर्स का होगा, या आई थिंक अराउंड, इस पर कहीं लिखा नहीं है कितने साल पुराना है ये, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी पुराना है। फिर मेटल की ग्रिल है ये, इसको कभी फ्यूचर में मैं रिस्टोर करने का प्लान कर रहा हूँ। एंड ये इस पर मेड इन भी नहीं लिखा वैसे कहीं, बट आई थिंक ज़्यादा कुछ इस पर लिखा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये एक रेडियो हो गया इसका। एंड उसके बाद फिर एक और फ़ोन है, ये उसी कंपनी का है, इसके साथ पता नहीं क्या बन रही है। एंड पुराने ज़माने के ये टाइप के फ़ोन में ऐसे लॉक लगे होते थे, तो मतलब इस पे ताला लगा सकते थे। एंड ये भी ये भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी का है, बीटल मास्टर TPS, बीटल कंपनी का। तो दो ये हो गए। फिर अब मेन चीज़ जो मुझे दिखानी थी वो है ये पुराना क्राउन कंपनी का TV। तो मैंने इसे चला के चेक किया एंड ये चल रहा था, तो वहाँ तो स्क्रीन नॉर्मल वैसे वैसे आ रहा था। एंड इसमें ये देखोगे आप, ये जैसे ड्यूरेबल शटर्स हैं, एंड ऐसे बंद हो जाता है। एंड यहाँ पे एक लॉक भी है छोटा सा, तो लॉक भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक टीवी अराउंड 30-40 साल पुराना है, एंड अभी भी चलता है, एंड काफ़ी भारी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चलती है, इनको थोड़ा सा साफ वाफ करने की ज़रूरत है, तो मेरा प्लान है इनको रिस्टोर करने का, तो फ्यूचर में वो करेंगे कभी। तो अभी के लिए मैं आपको इसका B-roll दिखाता हूँ। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड एन्जॉय द B-roll।